भीम आर्मी को लगा बड़ा झटका। भीम आर्मी से हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। और इसके साथ ही फरीदाबाद जिले से भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित वर्तमान जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष सहित कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भी भीम आर्मी छोड़कर कांग्रेस पर जताया है भरोसा। आपको बता दें कि कल राजधानी दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर इन तमाम भीम आर्मी के लोगों ने की थी मुलाकात, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने इन सभी को कांग्रेस का पटका पहनाकर दिलाई है सदस्यता। तो ये फरीदाबाद जिले से चंद्रशेखर आजाद को ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। हरियाणा से प्रदेश उपाध्यक्ष रहे विजय किशन और पूर्व फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जिले और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों सहित कई सक्रिय युवा कार्यकर्ता भीम आर्मी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले में भीम आर्मी संगठन की तरफ से एक मुखर वक्ता के रूप में पहचान रखते हैं विजय किशन, जिन्होंने आज भीम आर्मी को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही और आपको बता दें कि जिस वक्त इन्होंने ये सदस्यता ग्रहण की है उसी वक्त भीम आर्मी फरीदाबाद के ही कुछ नए और पुराने चेहरे जो कि युवा नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कल राजधानी दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। इनका परिचय मुझे दिया गया और ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और भीम आर्मी के माध्यम से इन लोगों ने पूरी इस टीम ने जनता के हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया और इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया। आज हरियाणा के परिस्थितियों को देखते हुए हरियाणा में इस परिवर्तन की लड़ाई में ये पहचानते हुए कि परिवर्तन तब आएगा कि एकजुटता से हम मिलके और कांग्रेस पार्टी इस परिवर्तन को लाने का काम कर सकती है हरियाणा में। आज ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में एक फैसला किया इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का और उसमें मेरे को कड़ी बनाने का काम किया। मैं इनका बेहद धन्यवाद भी करता हूं और इन सब का पूरी टीम का मान सम्मान और उचित स्थान कांग्रेस पार्टी तो देगी लेकिन मेरी खुद की जिम्मेदारी भी रहेगी।